दोस्तों, अगर आप भी धोनी और कोहली को बेहतर व महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैंस ने धोनी को फिक्सर कहा, तो भी कहा तो वहीं कोहली का बाप भी बना दिया। कोहली और धोनी के बीच की जंग जब सोशल मीडिया पर पहुंची तो फैंस आपस में ऐसे भिड़े कि मानो आग लग गई, सैलाब आ गया। और अब दोस्तों, इस लड़ाई पर ना फाइनली धोनी और कोहली ने भी अपना अपना बयान दे डाला है। आखिरकार दोस्तों, फैंस की लड़ाई में कूदते हुए धोनी और कोहली ने एक दूसरे पर क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है धोनी और कोहली में सबसे महान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन कुछ खत्म नहीं हो रहा तो चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच की जंग। ये कोई मैदाने जंग नहीं है, ये सोशल मीडिया की जंग है। दरअसल दोस्तों, चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में होने वाले सभी मैचेस को एल क्लासिको कहा जाता है, लेकिन अब तो इसे एक वॉर कहा जाए तो कम नहीं होगा। आईपीएल 2024 का आखिरी लीग मुकाबले से पहले एक और मुकाबला हुआ था, आपको याद होगा। ये मुकाबला प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक किस्म से एलिमिनेटर ही था, इसे लीग मैच मत समझिएगा। चेन्नई और आरसीबी की टीम आमने सामने थी, मैदान बेंगलोर का था और जीतने वाली टीम सीधा प्लेऑफ में पहुंचती। अब बस मुद्दा इतना सा था कि कौन सी टीम जीतेगी। दोस्तों, उस मैच में आरसीबी ने 200 के पार स्कोर बनाया और एक मार्जिन से मैच को जीतकर नेट रन रेट में भी चेन्नई को हराया और मैच में भी, यानी कि दो तरफा जीत उन्होंने चेन्नई के खिलाफ हासिल करी। अब इतनी बुरी हार को देखकर चेन्नई के फैंस बुरी तरीके से भड़क गए, आरसीबी को ट्रोल करने लगे और बताने लगे कि 5 बार जीतने वाली टीम के खिलाफ जीत कर भी तुम्हें केवल लॉलीपॉप मिलेगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी, आरसीबी की टीम हार गई और कप की जगह उन्हें लॉलीपॉप ही मिला है। अब ये बात सुनकर दोस्तों, आरसीबी के फैंस जबरदस्त तरीके से भड़क गए। सोशल मीडिया, ट्रेन से लेकर गाड़ियों तक हर जगह दोस्तों तोड़ाफोड़ी हो चुकी है और फैंस तो सोशल मीडिया पर धोनी और कोहली के ऐसे अपशब्द ट्रेंड करा रहे हैं जैसे कि धोनी फिक्सर है, वो एक धोबी है, या फिर विराट कोहली जो है वो धोनी के बेटे हैं और विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके आगे धोनी कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, फैंस की इसी वॉर को देखते हुए धोनी और कोहली ने अपने अपने बयान जारी कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली कहते हैं, धोनी मेरे लिए सबसे बड़े आइडल हैं, क्रिकेट खेलना ही मैंने उनसे सीखा, शुरू भी किया। और अगर आज आप लोग आरसीबी के फैंस सीएसके को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें कुछ बुरा भला कह रहे हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। आपको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, उनको नीचा दिखाकर हम कोई खिताब नहीं जीत जाएंगे, तो ये सब कृपया करके तो बंद कीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। तो वही दोस्तों, एमएस धोनी का भी कहना था, विराट कोहली मेरे लिए छोटे भाई से कम नहीं है, और अगर आप चेन्नई के फैन सच्चे फैन हैं तो आपको ये हरकत ना करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमें हरा दिया तो क्या, वो बेहतर खेले और हम बेहतर नहीं खेल पाए, और ना बेहतर खेलने वाले को हार ही मिलती है। हार को स्वीकारो और आगे बढ़ो। आप उन्हें अगर प्रेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी जीत में उन्होंने हमारे लिए ही स्टोरीज लगाकर खुशी जाहिर की थी। यही स्पोर्ट्स और यही क्रिकेट का ट्रू स्पिरिट है। दोस्तों, धोनी और कोहली तो दोनों चाहते हैं कि दोनों टीमों के फैंस आपस में जुड़ जाएं, ना लड़ें। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, आप किसकी तरफ हैं, सीएसके की तरफ या आरसीबी की तरफ, नीचे कमेंट कर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।